हाय फ्रेंड्स, ऑनलाइन एग्रीकल्चर क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। जैसा कि यहां पर देख सकते हैं, यूपी कैडेट उत्तर प्रदेश कंबाइंड ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी एंट्रेंस टेस्ट के इतिहास में होने वाला पहली बार पांचवी काउंसलिंग, और ये कब से होगा, सारी समस्त जानकारियाँ इस चैनल के माध्यम से आपको, और जो भी स्टूडेंट आगामी 2024 के सेशन में चल रहे हैं उनको घबराइए आप लोग नहीं। आप लोग कमेंट्स कर रहे हैं, सर उसका वीडियो डाल दीजिए, इसका वीडियो, हम आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप पूरा सीरियल से वीडियो आपको प्रोवाइड कराएंगे। यूपी कैडेट के सारे जानकारियां जो भी हैं, छोटे से जीरो से लेकर के आपको सभी समस्त पीक लेवल तक, एडमिशन तक, सारी वीडियो आपको मिलती रहेंगी, परेशान ना होइए, ठीक है। चलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस रखिएगा, आगे आगामी अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो देखिए, पांचवी काउंसलिंग, पांच और छह दो काउंसलिंग होगी, पांचवी काउंसलिंग होगी, फिर छठी काउंसलिंग होगी। आइए पूरा प्रोसेस देखते हैं, विद एविडेंस विद प्रूफ के साथ मैं आपको दिखाता हूं। उससे पहले आपको बता दें कि यूपी कैडेट 2024 में जो भी स्टूडेंट प्रवेश परीक्षा फॉर्म फिल कराना चाहते हैं तो आप अपने घर बैठे भरवा सकते हैं, ठीक है। और फॉर्म में अगर किसी प्रकार की गलती होगी तो पूरी फीस, जितनी भी यूपी कैडेट की फीस कटती है, सारी आपकी टीम भरेगी, ठीक है, मतलब हमारी टीम भरेगी। संपर्क सूत्र आपको इस नंबर पर दिया गया है। जो टीम की ऑनलाइन फॉर्म फीस है वो 100 रुपीज चार्ज है, बाकी अगर कोई भी किसी प्रकार की मिस्टेक होगी तो विद गारंटी मैं दे रहा हूँ कि पूरी हमारी टीम भरेगी, ठीक है। चलिए, क्योंकि काफी स्टूडेंट पिछली बार गलती कर दिए थे, और प्रीवियस ईयर पेपर हमारे पास अवेलेबल है यूपी कैडेट का। यूजी में एग्रीकल्चर बायोलॉजी नहीं, सिर्फ वो सिर्फ इंटर में जिस स्टूडेंट के पास एग्रीकल्चर से पढ़ा है उसका हमारे पास पेपर 2010 से लेकर के 2023 तक का है, और पीजी का एमएससी एजी एंट्रेंस का 2010 से लेकर के 2023 तक प्रीवियस ईयर पेपर है, ठीक है, जिसकी प्राइस 199 रुपीज है, ठीक है। बाकी करने के लिए अब दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़िए, टू द पॉइंट कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखिए, इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, सचिव कुल सचिव कार्यालय आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या। यूपी कैडेट 2023 के सेशन में एग्जामिनेशन और पूरा काउंसलिंग का प्रोसेस किसने कंडक्ट किया था, तो आचार्य नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी ने किया था। और इसके बाद 2024 में कौन करेगा, चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर करेगा। यहाँ पर देखिए, एएनडीयूटी नोटिफिकेशन 29 दिसंबर 2023, ठीक है, इसमें साफ साफ लिखा है एमबीएससी काउंसलिंग सूचना, मतलब ये पीजी की काउंसलिंग के संदर्भ में कह रहा है। क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश संयुक्त कृषि एवं प्रौद्योगिकी प्रवेश परीक्षा 2023 में एमबीएससी पाठ्यक्रम मास्टर ऑफ वेटनरी साइंस में उत्तीर्ण क्वालिफाइड अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि मास्टर ऑफ वेटनरी साइंस पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु प्रथम एवं द्वितीय काउंसलिंग, मतलब इनकी दो काउंसलिंग होगी, तो यहाँ पर चार काउंसलिंग तो हो चुकी है, पांच और छठवीं काउंसलिंग यहाँ पर कह रहा है, ठीक है। ऑनलाइन काउंसलिंग आयोजन निम्नानुसार किया जाएगा, मतलब जो निम्नलिखित दिया हुआ है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, तो इसमें अभी सीट हम बताएंगे, कार्य का विवरण देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए, ऑनलाइन काउंसलिंग में प्रतिभाग करने हेतु ऑनलाइन पंजीकरण शुल्क, मतलब जो 500 रुपए की जो फीस कटती है ऑनलाइन काउंसलिंग की, ये आपकी कब से कब तक कटेगी, 18 जनवरी से 20 जनवरी 2024 शाम 5 बजे तक कटेगी, ठीक है। उसके बाद ऑनलाइन चॉइस फिलिंग और लॉक करने के लिए, यहीं पर चॉइस फिलिंग भी हो जाएगी आपकी, बट लॉक नहीं होगी। लॉक कब होगी, ये 19 जनवरी और 20 जनवरी के बीच में होगी, ठीक है, या तुरंत आप चाहें तो लॉक कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटी, जिस यूनिवर्सिटी में आपकी जितनी सीटें खाली होंगी उसको देख करके आप भर लीजिएगा, ठीक है। क्या इसमें हो सकता है संभावना कि एमबीएससी के साथ साथ पीजी का हो, एमएससी एजी का भी हो, क्योंकि एमएससी एजी की भी सीटें अभी खाली हैं, ठीक है। चलिए, सीट आवंटन आपको जब सीट मिल जाएगी कब पता चलेगा, 22 जनवरी को पता चलेगा, ठीक है। अभ्यर्थी द्वारा डॉक्यूमेंट, अब आपके सारे मूल प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना होगा, 22 से 23 जनवरी में आपको कर दीजिएगा। जैसे आपको लॉक पता चल जाएगा कि हमारी सीट यहाँ पर मिल गई, तो आप इसको लॉक कर दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन 23-24 में होकर के आ जाएगी, फिर दोबारा आपको री अपलोडिंग, अगर रिजेक्ट होता है तो री अपलोडिंग का ऑप्शन देगा 24 जनवरी में, ठीक। फिर आपका दोबारा अगर गलती हुआ हो तो ये वेरिफिकेशन 25 जनवरी में फाइनली हो जाएगी, क्लियर। अब सिक्योरिटी फीस, इसमें जो भी इसकी सिक्योरिटी फीस जैसे 5000 जो कटती हैं,
वो फीस आपकी 24 से 25 जनवरी में कटेगी, और जैसे कटेगी तुरंत आपको एक लेटर मिल जाता है। कौन सा लेटर मिलता है? अलॉटमेंट लेटर जिसको बोलते हैं, ठीक है। प्रोविजन, प्रोविजन आवंटन पत्र डाउनलोड करना, मतलब अलॉटमेंट लेटर आप 24-25 जनवरी में तुरंत आप डाउनलोड कर सकते हैं, और विश्वविद्यालय में जाकर के प्रवेश और रिपोर्टिंग कार्य दिवसों में करेंगे 24-25-26-27, ठीक है। इसमें बीच में 24-25-26-27 के बीच में किसी भी प्रकार की यूनिवर्सिटी में छुट्टी नहीं हो सकती काउंसलिंग के दौरान, ठीक है। ये प्रथम काउंसलिंग का प्रोसेस कंप्लीट। अब इसी के बाद ठीक 28-29 जनवरी में आपकी 500 रुपये की फीस कटेगी, 28-29 में आपकी लाख होगी सीट, फिर 31 जनवरी को आपको पता चल जाएगा कहाँ पर सीट मिला है। 31 जनवरी से 1 फरवरी के बीच में आपको डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना है, और 1-2 में आपका कंफर्म हो जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएगा। फिर यदि कोई गलती है तो 2 फरवरी को आप अपलोड कर सकते हैं, और आपका 2 फरवरी के बाद 3 फरवरी को कंफर्म हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा सब, ठीक है। और बाकी इसमें 2 से 3 फरवरी में आप अलॉटमेंट लेटर सिक्योरिटी फीस जमा कर सकते हैं, और 2 से 3 फरवरी में ही अलॉटमेंट लेटर आप अपना डाउनलोड कर सकते हैं। फिर 2 से 5 फरवरी के बीच में आप अपना जाकर के एडमिशन करा सकते हैं सक्सेसफुली, कार्य दिवसों में पूरा ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो रही है तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर संपर्क कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम की आईडी है agree_classes573, ठीक है। इस नंबर पर आप हमसे संपर्क कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसमें जो भी आपके प्रोसेस होंगी सारा, या तो काउंसलिंग खुद से कर लीजिए, नहीं तो आप कराना चाहते हैं तो आप हमारे टीम से भी करा सकते हैं, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।